साइलम ऑफ फ्लोएम पढ़ा है कुछ ऐसा? हाँ पढ़ा है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से प्लांट्स मोटराइज होता है, कैपिलरी एक्शन करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, तो ये कुछ दिन पहले बताया था। हाँ मैंने बताया था क्लास में। सेकंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सही। उसके बाद टाइम तो पहली बार डिफरेंशिएट करने से वी एक्स आए, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से एक्सलेशन आ जाएगा। आई कैप क्यों लिखा? क्योंकि वो एक्स के लॉन्ग सॉल्व कर रहा है। अब वाई को लॉन्ग सॉल्व करूंगा, वाई तो वी वाई कितना आया? फाइव। ए वाई जीरो। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? एट आई कैप प्लस जीरो जे कैप। जीरो जे कैप लिखने की जरूरत नहीं, क्या आंसर आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको अभी लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, मतलब काफी बड़ा है। तो वो वाला है ना जो आप लोग ने करवाया था मुझका कॉस थीटा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, मैं करवाया क्लास में वैसे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चन मिले उनको होल्ड पे डाल दो, तो अभी सेकंड राउंड में ट्राई करेंगे। पहले ये बताओ, क्या तुम लोगों को ऐसा पता है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है? अगर नहीं पता तो लिख लो भाई। किसी भी मटेरियल के ब्रेकिंग स्ट्रेस मैंने बोला क्या होता है? कांस्टेंट। यानी एफ बाई ए क्या होगा? कांस्टेंट। इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पर, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। फाइनेंस में मिलेगा एक क्वेश्चन, नीचे मैं कह रहा हूँ कर लो भाई। तो बताओ भाई क्या आंसर लग रहा है? हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था कि अगर वायर की लेंथ को डबल कर देंगे तो यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है मटेरियल का। वैसे मैंने बोला ब्रेकिंग स्ट्रेस भी क्या होता है मटेरियल का? लेंथ बदलोगे तो डेल्टा एल बदलेगा, लेंथ से वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर फाइव गैस कर सकते हो, वाटर और ग्लास के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वाटर कैपिलरी में राइज करता है या फॉल होता है? राइज करता है, तो मैंने पढ़ाया था राइज करने का वाला एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो 90 पक्का गलत है, 110 पक्का गलत है, तो 08 में से कोई एक होगा। 8 डिग्री होता है, कैलकुलेशन में हम 0 मान लेते हैं, होता है वैसे 8 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत आता है क्या एग्जाम में? अभी जे में भी आया है क्वेश्चन। क्या काइनेटिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं? पढ़ाया मैंने तीन फॉर्मूले, हाफ एम वी स्क्वायर सबको आता है बट एग्जाम में नहीं आता। सही बोला, पी स्क्वायर बाई 2 एम यही एग्जाम में आता है, याद आ रहा है सर? तो अगर मैं सॉल्व करूं तो पी का फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट 2 एम के। तो क्या मोमेंटम रूट एम पे डिपेंड करेगा? यस सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। तो मास का रेशियो कितना है? 1:4। 1:4 यस सर। तो रूट में क्या हो जाएगा? 1:2। बहुत आता है एग्जाम में। सेवन क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इजी है। फुल सिलेबस पेपर समझ में आ रहा, क्या फायदा होता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में सोचते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पता है तो पढ़ो भाई सेवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में पीवी इक्वल टू आरटी दिया है ना, इसका मतलब एन कितना लिया है? तो सी लग रहा है मुझे तो। सही है। एट क्वेश्चन, कुली वाला क्वेश्चन बताया है? यस सर, 90 डिग्री आता है तो कुली अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता है तो वर्क डन नहीं करता। अभी कुली कहाँ चल रहा है? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती या नहीं बढ़ती आ रही है, तो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? वर्क कर रहा है। करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, वर्क तो कर रहे हैं।
मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चलेगा तो वर्डन नहीं होगा, बट अगर स्टेयर्स पे चलेगा तो वर्डन होगा। नाइन्थ क्वेश्चन, मोनोटॉमिक गैस कराया क्लास में, थ्री बाई टू एन आर टी, वन मोल है इसलिए 3/2 RT। अगर ये डायटॉमिक होता तब सही ना, यहाँ मैंने डाई लिख दिया है। टेंथ इलास्टिक कोलिजन में हमेशा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। 11th क्या वर्क का फॉर्मूला होता है, एफ डी कॉस थीटा। कितना फोर्स लग रहा है, 200। कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना एंगल लग रहा है, 180। क्योंकि अगर साइकिल स्किड कर रही है आगे की तरफ तो फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगेगा ना, सही बात है। क्या आंसर लग रहा है, -2000 है ना। 12 रेडिएशन बताया था, यस सर। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से फ्लो होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया अभी रिसेंटली, यस सर। तो बताओ क्या लग रहे हैं, रिटार्डेड वेरी गुड। एक्सेलरेट और रिटार्ड दोनों होता है, ए से बी जा रहा है तो एक्स रिटायर्ड हो रहा है और बी से ए जा रहा है तब एक्सेलरेट हो रहा है ना। यस सर। 14 अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। तो अगर एक बच्चे को झूले बैठा के धक्का दे दो तो झूला चलता रहेगा या रुक जाएगा, रुक जाएगा एयर फ्रिक्शन पे। क्या आंसर लग रहा है, एयर फ्रिक्शन रुकता है जिसको हम डैम्पिंग कहते हैं, ठीक है ना। वैसे सिलेबस में है नहीं, आना नहीं चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम होता जा रहा है, और क्यों कम हो रहा है, एयर फ्रिक्शन। 15 तो इजी है, सब लोग बता लोगे। माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, माइंस हो जाएंगे तब भी कम हो जाएगी। चाहे हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ पे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कम होती है, मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस पर। एसेसन रीजन का आइडिया है, यस सर। ए ऑप्शन का मतलब क्या होता है, बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी का मतलब क्या है, बोथ करेक्ट बट नो रिलेशन। नहीं, एक्सप्लेनेशन गलत नहीं है, बोथ करेक्ट बट नो रिलेशन। तुम्हारा नाम यश है, मेरा नाम मयंक है, दोनों बातें सही हैं बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सी ए करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट, और डी दोनों गलत, सही। तो अब 16 पढ़ो और बताओ एसर्शन क्या लग रहा है। पहला सही लग रहा है, गलत सही है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है, यस सर। पहला सही दूसरा गलत, मतलब यस सर सी ऑप्शन है सही ना। 17 सर्कुलर मोशन में पढ़ाता हूँ वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, यस सर। तो पहला सही लग रहा है या गलत, सही है, बढ़िया। दूसरा एवरेज एक्सलेशन सही लग रहा है गलत लग रहा है, सही। बट आपस में कोई रिलेशन तो नहीं लग रहा, यस सर। बी होगा, है ना। 18th
प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या एक्स को और वाई को अलग सॉल्व करते हैं? यस सर, यस सर। तो पहला क्या लग रहा है? ट्रू। ठीक, रीजन ट्रू, वेरी गुड। ए या बी? ए। ए, बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स में महसूस करा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, yes, बस बेसिक आइडिया दिमाग में होना चाहिए। 19 ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, वेरी गुड। क्यों नहीं बनेगा, क्या प्रॉब्लम है? बल्क मॉडुलस नहीं दिया। अगर बल्क मॉडुलस दिया होता कोई दिक्कत नहीं थी, सही ना? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी क्या लिख दूंगा? डेल्टा पी बाई वी। डेल्टा पी कितना है? मुझे लगता है 10 है। क्या हाइड्रोलिक प्रेशर 10 है, मतलब वाटर के वजह से 10 एटीएम है। ए वाला तो था ही। 10 एटीएम को क्या लिखेंगे? 10 × 1.013 × 10⁵ अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास। एग्जाम में ऐसा लिख के आना पड़ेगा क्योंकि हमें थोड़ी नहीं याद बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास क्या है, बट यहाँ देना चाहिए था ग्लास का, राइट? नहीं दिया कोई बात नहीं, ऐसा लिख देना। कैन ए मैन वॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझू। जब हम वॉकिंग करते हैं तो क्या ग्राउंड को हम पुश करते हैं पैरों से? दिस इज एक्शन। तो ग्राउंड हमको रिएक्शन देता है। उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक होता है आर कॉस थीटा और एक होता है आर साइन थीटा। हमारा वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। तो आर कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? Mg और आर साइन थीटा हमको पुश करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान देना, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे की तरफ। जब हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन शूज पे आगे की तरफ लगता है। तो आप बताओ आंसर क्या लिखोगे? ये डायग्राम, सही ना? तो इसका आंसर यस होगा। ये डायग्राम बनाना है, जो फोर्स लग रहा है उसके हम रिजोल्यूशन मतलब कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट बोलता है वेट को बैलेंस करो, दूसरा कंपोनेंट हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। और पार्ट बताओ क्या करूं? U स्क्वायर साइन, बताओ भाई रेंज का फॉर्मूला, 2θ π g। सॉल्व करो बताओ कितना है। √3 बिल्कुल सही है। तब करके देख लो, 20√3 मीटर आ रहा है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो बस हो गया क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी, बताओ भाई क्या स्टेटमेंट है? वर्क डन बाय नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन W0 इक्वल टू K फाइनल माइनस K। इसकी डेरिवेशन करा रखी है मैंने, yes, sir, दो तरीके से, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों तरीके से। तो अगर नहीं याद है तो याद करो, रिवाइज करो, देख लेना बुक में दी हुई है। आसान, लीनियर मोमेंटम स्केलर और वेक्टर। मास इनटू स्पीड होता है या मास इनटू वेलोसिटी? वेक्टर होता है ना। यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगी? बस एमएलटी माइनस वन। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ, बताओ भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। देखो लिखा है क्या मैंने? थर्ड कहता है एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, और फर्स्ट कहता है अगर फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। एग्जांपल बताओ।
अगर एक ब्लॉक लगा हुआ है, रखा हुआ है, इस पे कम फोर्स लगाएंगे तो धीमे मूव करेगा, तेज फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाओगे तेज मूव करेगा। यानी जो लीनियर मोमेंटम है उसका चेंज किस पर डिपेंड करता है? फोर्स, स्मॉल फोर्स तो लो वेलोसिटी, लो मोमेंटम, लार्ज फोर्स तो लार्ज वेलोसिटी, लार्ज मोमेंटम। तो बच्चा साइकिल चला रहा, धीमे धीमे मैं पुश कर रहा हूँ तो धीमे धीमे चलेगी, बहुत ताकत लगा दी तो बहुत तेज भागेगा, सही है? 23 का आंसर कौन बताएगा? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, बैरोमीटर को देख करके हम पता कर सकते हैं कि स्टॉर्म आ गया है? यस सर। कैसे बताऊं? अगर स्टॉर्म आ गया है बाहर तो ऊपर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा तो बैरोमीटर फॉल हो जाएगा। तो अगर बैरोमीटर फॉल हो रहा है इसका मतलब स्टॉर्म आ गया है या आने वाला है। ठीक ठीक है, बैरोमीटर का एग्जांपल समझ में आया? यस सर। वैसे जब वाटर करंट हिट करती है सी बीच पर, तो सी बीच पर नॉर्मली स्टोन वगैरह लगाते हैं क्या? यस सर। सेफ्टी के लिए स्टोन्स डालते हैं, क्यों डालते हैं समझ में आ रहा है? यस सर। वाटर आके हिट करता है और बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, स्टोन भी टूट जाते हैं। तो हम चाहते हैं बहुत ज्यादा जो वाटर आ रहा है वो डायरेक्ट आके हिट हो जाए, स्प्रेड हो जाए। तो अगर स्प्रेड हो गया तो इम्पल्स कम होगा, लॉजिकल। तो अगर स्टॉर्म आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऊपर हेलीकॉप्टर से क्या करती है, ऑयल का ड्रम खोल देती है, बहुत सारा ऑयल पानी में डाल देगी सी में। तो उससे क्या होगा, वाटर का जो ऑयल है, ऑयल का सरफेस टेंशन क्या है? कम है, तो फैलता है वो। तो जब ऑयल फैलेगा तो वाटर फुल एक ही जगह पे जाके इम्पैक्ट करेगा या स्प्रेड हो जाएगा? अगर स्प्रेड हो जाएगा तो नुकसान ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। आई होप लॉजिकल लगा मेरी बात। ये अच्छा क्वेश्चन था। ऑयल डालने से क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम होता है इसलिए फोर्स कम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था। स्पेसिफिक हीट कौन डिफाइन करेगा, बताओ? पढ़ाया मैंने, बताओ क्या पढ़ाया? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिल्कुल सही। एस का फॉर्मूला क्या है? अगर स्पेसिफिक हीट इनफिनिट है, मतलब डेल्टा टी क्या है? नहीं, डेल्टा टी जीरो, टी कांस्टेंट, मतलब कौन से प्रोसेस है? बस, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, डिफाइंड ट्रिपल पॉइंट। बताया मैंने कभी? ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट। वाटर के लिए 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, 0.01 पर वाटर भी होता है, आइस भी होता है और स्टीम भी होता है। उसका एग्जांपल मैं ऐसा देता हूँ, आइसक्रीम खरीदने गए हम लोग तो बड़ा सा बॉक्स होता है क्या शॉप वालों के पास, जिसमें वो ब्रिक रखते हैं आइस की, आइसक्रीम की। तो जब वो बॉक्स खोलते हैं तो क्या बहुत सारी वेपर उठती है? है ना? अगर तुमको खाली वेपर दिख रही है तुमको आइडिया थोड़ी नहीं कि वो चाय है या आइस है। सोचो, जो चीज मैंने इधर छुपा रखी है तुमको सिर्फ वेपर दिख रही है तो वेपर देख के बता नहीं सकते ना गर्म है या ठंडा। हमें इल्यूजन होता है कि वेपर से मतलब बहुत गर्म होगा क्योंकि हम चाय या दूध से उठते हुए देखते हैं, आइस भी तो हो सकती है, सही है? अब उसके अंदर अगर मैं टच करूंगा, अगर आइस रखी हुई है तो आइस कैसी है? सॉलिड। और टच करने पर वेट होगी या नहीं होगी? होगी, तो थोड़ा वाटर भी होता है। तो इसका मतलब ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को एग्जिस्ट करती है। वाटर के लिए कितना बताया? 0.01 डिग्री सेल्सियस, राइट? यस सर। ये तो क्वेश्चन नंबर 26 मैंने क्लास में करवाया है। यस सर। अपनी बॉडी पे हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं। अगर नॉर्मल स्पीड से चल रही है कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर्टिकुलर पोर्शन में स्पीड ज्यादा है तो ट्यूमर है।
सही ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, v का फॉर्मूला क्या होता है, f लैम्डा v कितना है, 1.7 किलोमीटर पर सेकंड। यस सर, मीटर पर सेकंड में बदला क्या? यस सर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.4 मेगाहर्ट्ज। आ जाएगा आंसर, बढ़िया करा रहा है हमने क्वेश्चन राइट। यस सर। 27 पहले बताओ कौन सा स्फीयर है, हॉलो या सॉलिड? मेंशन नहीं तो सॉलिड, सॉलिड मेंशन नहीं तो सॉलिड। किसी को फॉर्मूला याद है बताओ भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 मास, सही ठीक है ना? मास कितना है? 20। और रेडियस कितनी है, स्क्वायर कर दो 5/4 1/2 आ जाएगा लग रहा है, 1/2 केजी मीटर स्क्वायर, सही है क्या? और पार्ट में टॉर्क पूछा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ? आर क्रॉस एफ, ऑर्डर नहीं बदल सकते, निकालो देखो कितना आता है, तुम लोगों को तरीका याद है आई जे के लिखते थे ऐसे? यस सर। पहले कौन है, आर, क्या डालूंगा मैं, 1 -1 1, बाद में क्या डालूंगा, एफ 7 3 -5 -1। अब सॉल्व कर दूं कितना आता है, -8 i² + 2j² + 10j² मुझे तो लगता है 2i कैप आएगा। यस सर, 2i कैप + 12j कैप + 10k कैप। 2i कैप + 12j कैप + 10k कैप। यस सर, यही आ रहा है, चेक कर लो भाई, यही है, सही है, यही है। क्या सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया मैंने? गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेव मोशन स्टेट इन विच केस वेव मोशन इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल और बोथ। मैंने बहुत साफ साफ बोला था, दोबारा बोलता हूँ, जिनमें भी शियर मॉडुलस होता है सॉलिड्स या लिक्विड की सरफेस, सॉलिड्स या लिक्विड की सरफेस उनमें क्या होगा, ट्रांसवर्स फील्ड, सॉलिड एंड लिक्विड की सरफेस बोला मैंने, और जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वो सब में होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सब जगह, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ना पड़ता है, मोशन ऑफ किंक इन ए लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ स्प्रिंग साइडवेज, बोथ, क्योंकि जो हमारी स्प्रिंग है हाँ उसमें शेयर मॉडुलस होता है, लॉन्गिट्यूडनल तो सब में ही होती है। सेकेंड, लिक्विड है तो मुझे लगता है लॉन्गिट्यूडनल होंगी सिर्फ लिक्विड के इनसाइड। थर्ड,
जब मोटर बोट चलती है तो उससे जो वेव्स निकलेंगे जो पानी के अंदर जा रही है वाटर के अंदर वो तो लॉन्गिट्यूडनल है, और जो वाटर की सरफेस पे चल रही है ट्रांसवर्स, मुझे लगता है बोथ सही ना। 29 क्या बोला है कॉन्स्टेंट है तो पीवी भी क्या होना चाहिए स्टेट टाइम मिलना चाहिए। नेम द थ्री गैस लॉस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, थर्ड गैलुसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर। गैलुसेक्स लॉ कहता है प्रोपोर्शन पी और वन बाई टी क्या होंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी लिख दिया। हाँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, तीन लॉ होता है, पहला हमारा कौन है बॉयल्स, दूसरा कौन सा है चार्ल्स, तीसरा कौन सा है गैलुसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर। मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ गैलुसेक्स था या कौन था थर्ड वाला, वही था हाँ गैलुसेक्स ही था क्योंकि डाल्टन्स लॉ ने पार्शियल प्रेशर बताया था, गैलुसेक्स ही था। नेम द थ्री लॉज, अच्छा ये तो पार्ट तो हो गया, और पार्ट देखो भाई टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर इन रबर बलून एट 30 डिग्री सेल्सियस द टेंपरेचर स्लोली स्लोली चेंज। तो आइसोथर्मल हो सकता है, सडनली होता है तो एडियाबेटिक, स्लोली होता है आइसोथर्मल, क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट तो बताओ भाई, सोच रहा हूँ क्या करूँ। अच्छा एडियाबेटिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है राइट, सॉरी आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज करा ना, तो डी यू क्या डालूंगा एनसीविडिटी, और डी डब्ल्यू क्या डालेंगे जीरो। तो यहाँ मुझे लगता है आइसोबारिक प्रोसेस करने की बात कर रहा है शायद, ये पढ़ो देखो पहले स्लोली सुनकर मुझे लग रहा था आइसोथर्मल होगा, फिर मैंने क्वेश्चन में पढ़ा कि टेम्परेचर 30 से 35 है तो फिर आइसोथर्मल तो नहीं है, फिर ये कैसी प्रोसेस है आइसोबारिक, इसका मतलब स्लोली का मतलब है धीमे 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 बहुत थोड़ा थोड़ा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। ठीक है तो डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे, पीडीवी, पीडीवी क्या लिखते हैं हम, एनआरडीटी, एनडीटी कॉमन है क्या, यस सर, क्या बन गया ये CV plus R को क्या कहते हैं, CP yes. क्या बन गया है? N CP DT N कितना है 2 CP कितना होता है मोनोटोमिक का हीलियम, अच्छा हीलियम तो मोनोटोमिक CP 5R/2 DT कितना है 30 से 35 आ जाएगा आंसर, अब हो जाएगी ना कैलकुलेशन, यस सर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, 30 मुझे लगता सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, पढ़ो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल। अब याद करो क्या मैंने कभी कोई फॉर्मूला पढ़ाया है सच में काइनेटिक का, भाप के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पोटेंशियल का के बाय टू गया, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स कितना आ गया
प्लस माइनस ए आ गया आंसर सही ना। तो 3 मार्क्स के हिसाब से इजी क्वेश्चन था ये। फॉर्मूला अच्छे से याद करो, सेम क्वेश्चन मैंने कराया क्लास में तुम लोगों को, सेक्शन डी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को डेराइव करके नहीं दिखाना होगा, कर देना क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला तो नहीं था डेराइव करना है। सेक्शन डी क्या डायमेंशन वाला क्वेश्चन नहीं है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, लेंथ पर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा? यस सर। फिर इसके हम लोग क्या लेते हैं? डायमेंशंस। मास की डायमेंशन तो एम ही रहेगी, लेंथ की डायमेंशन एल रहेगी, जी की क्या हो जाएगी? एल टी माइनस टू। ध्यान दिया मैंने क्या करा? तो यहाँ कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट में तो मास है ही नहीं, ए कितना आ गया, लेंथ भी नहीं है, पी भी क्या आ गया? जीरो। टी की पावर वन है और यहाँ पे कितनी है टी की पावर? माइनस टू। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये बी प्लस सी होना चाहिए था ना? बी प्लस सी आ गया सर। और टी टू पावर वन कर लो, क्या लिखूँ? माइनस टू सी। यस सर। सी कितना आ गया? सी को डाल दो, बी कितना आ जाएगा? हाफ। टी इक्वल टू क्या लिखूंगा? के एम टू पावर ए। ए कितना था? जीरो। एल टू पावर बी हाफ, और जी टू पावर माइनस हाफ। क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू के रूट एल बाई जी। अब ये फॉर्मूला हमने एसएचएम में डेराइव भी कर लिया है क्या? यहाँ पे k की वैल्यू क्या आती है? पढ़ाया तुम लोगों को एस एच एम में सिंपल पढ़ लोगों का 2π√L/g याद करो। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर भी पता था इसका, ये आएगा बस 2π डाल मत देना। आंसर क्या लिखोगे? t इक्वल टू k√L/g। चलो बी पार्ट क्या कह रहा है? बताओ भाई सही है गलत है? सॉल्व करो देखो। P इक्वल टू अंडर रूट रो जी एच। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो, देखो सेम आ रही है डिफरेंट आ रही है। लेफ्ट साइड में कौन है? प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। एम एल माइनस वन टी माइनस टू। राइट साइड में कौन है? रो जी एच टू पावर हाफ। दो कितना आ रही है सर? आ रही है सेम। मुझे लगता है सेम नहीं आएगी। नहीं हाँ आपकी आएगी। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? करके देखो। तो सेम डायमेंशन है या डिफरेंट है? डिफरेंट है तो मेरे हिसाब से कैसा है ये? करेक्ट है या रॉन्ग है? सही बात है। और पार्ट पे आ जाओ, ये लग हो गया ना? जी सर। वैसे क्या हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है? पी इक्वल टू एच रो जी। हाँ तो वहां से देख के लग रहा था रॉन्ग है, जो पढ़ाया था पी इक्वल टू एच रो जी सर, ये रूट एच रो जी कह रहा है। यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट निकालो बेस के डायमेंशन। कहाँ से निकालोगे? निकालो भैया बताओ जी कितना आ गया?
माइनस वन एल फिर माइनस टू एम माइनस वन सर एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस एम माइनस वन एल थ्री थ्री टी माइनस टू ये सही लग रहा है करके देख लो भी मुझे इसकी डायमेंशन नहीं याद रहती बट मुझे याद रहता पावर वन टू थ्री आएगी तो अगर एमसीक्यू में आया तो वन टू थ्री वाले ऑप्शन ढूंढता हूँ ये भी नहीं याद रहता किसका प्लस है किसका माइनस बट ये याद रहता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में वन टू थ्री पावर आती है चलो भाई बी पार्ट कैसे करेंगे वी और बी सब्ट्रैक्ट है क्या तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है सब्ट्रैक्शन सेम टाइप में ही होता है तो बी वही होगा जो वॉल्यूम है मतलब एल क्यू अब आगे सोचो क्या पी में ऐड हो रहा है ए बाई वी स्क्वायर यानी पी की डायमेंशन वही होगी जो ए बाई वी स्क्वायर की सही प्रेशर की डायमेंशन क्या थी सही है क्या इनटू वी स्क्वायर हो जाएगा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या डालूंगा एल क्यू का स्क्वायर क्या करोगे एल सिक्स कितना आ गया एम एल फाइव टी माइनस टू आ गया कोई दिक्कत ये कौन करके दिखाएगा डिराइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एक ग्राफिकल होता है एक कैलकुलस होता है राइट हाँ यस सर तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ हाँ बट मैंने इलेवेंथ में भी कराया है तुम ठीक है किसी कुछ याद आ रहा है बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा ठीक है ना तो एक्सेलरेशन होगा स्लोप स्लोप का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू इक्वल टू यू प्लस एटी आ गया हो गया पहला चलो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल बिल्कुल सही रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया क्या दिख रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट बेस कितना है और हाइट कितना है वी माइनस सी ओ ए लिखेंगे वी माइनस सी क्या लिखेंगे 88 ए या 80 88 हो गया याद आया yes, थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका फॉर्मूला था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू गैप या हाइट अब क्या करूं इस टी को क्या डालूं लिखा यस सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या बन गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा यस सर चलो भाई और पार्ट पेपर कराने का यही पर्पस है कि जो चीजें भूल गए एकदम दिमाग से निकल गया वो रिकॉल हो जाए रिफ्रेश हो जाए मतलब एंड टाइम पे तो पेपर सॉल्व करने चाहिए बैठ करके कैसे करोगे बताओ भाई पहले जो बिल्डिंग से जो ऊपर गया उसका डिस्टेंस निकालेंगे
फाइव मार्क्स के हिसाब से आसान क्वेश्चन नहीं है। कर दो, ट्राई करो तुम लोग। किसी दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा तो बता सकते हो, क्योंकि मैं तो इस तरीके से नहीं करूंगा। हालांकि वो तरीका सही है जो तुम कह रही हो, सही है। किसी दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 25। बॉल को कितनी स्पीड से फेंका? 20। बॉल ऊपर जाएगी और फिर क्या होगी? तो एक तरीका है ए टू बी अलग सॉल्व करूं और बी टू सी अलग करूं। देखो कितना आता है, ए टू बी कितना टाइम आया? मुझे लगता है 2 सेकंड आएगा। करो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। कितना टाइम आया? क्या बी पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? यस सर। यस सर, मैंने हिंट दिया v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाओ। कितना टाइम आया? 2 सेकंड। जी को टर्न ले लो। ए टू बी हाइट कितनी है? ए टू बी की हाइट के लिए लिखा, फिर से मैं हिंट दे रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। सॉल्व करो, मैं आइडिया देता जा रहा हूँ। 20 मीटर, सही है। तुम लोग पेन से सॉल्व कर रहे हो, देखो मैं मेंटली सोच रहा हूँ। 20 में बी टू सी का टाइम निकाल दो कितना आता है। लगता है 3 सेकंड आएगा, करके देखो। अरे ए टू बी का टाइम आ गया, 3 सेकंड सर। ए टू बी का 2 सेकंड आया, हाइट 20 मीटर आई। अब मैंने कहा बी टू सी की हाइट कितनी है? बी टू सी की हाइट 45। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इसको लगा लो। 3 सेकंड आना चाहिए टोटल, सही। ये मैंने तुम लोग तरीके से सॉल्व करा, राइट। अब मैं अपने तरीके से करूँगा। ये भी तरीका सही है, मैंने कहा अच्छा तरीका है। अब जो मैं करूँगा सुनना ध्यान से। मैंने लिखा है एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ यू टी स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई मैंने क्या करा। जो एस है, एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ पर है ये? इनिशियली माइनस 25। सीधा मैं ए से सी सॉल्व कर रहा हूँ क्या? यस सर। यू कितना था? 20 j कैप, ठीक है ना। जी कितना है? 10 j कैप। कोई दिक्कत? 2 से काट दूं 10 को, कितना आ गया? 5 से काट दूं सबको, सबको डिवाइड कर दिया मैंने। तो क्या दिख रहा है मुझे? माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गई क्या? टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 5। 5 कैसे फैक्टर है जिनका डिफरेंस 4 हो? 5 बन जा, सही बोला मैंने, 5 बन जा 5। माइनस 4 कॉमन ले लिया। कॉमन कॉमन ले लिया, ये तो टी 5 आएगा या माइनस बनाएंगे, तो माइनस बन तो आ नहीं सकता। सही है, जो तरीका अच्छा लगे फॉलो कर लो भाई। तो मैंने इसको वेक्टर में सॉल्व करा, राइट। तुम लोग ए बी और बी सी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 33
कैसी रोड है? लेवल रोड मतलब फ्लैट है। तो अगर कार को हम इंडिया गेट के अबाउट चला रहे हैं तो सर्कल सुनते मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आता है क्या? सेंटीपेटल फोर्स, ठीक है ना। सर्कल सुनते ही एक ही आइडिया आना चाहिए, सेंटीपेटल फोर्स। जब हम कार को इंडिया गेट के अबाउट चलाते हैं तो हम चाहते हैं कार स्किड करे या कंट्रोल्ड में रहे, इसका फ्रिक्शन ज्यादा हो या कम हो? फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, ध्यान दिया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंटीपेटल फोर्स। ये समझ में मैंने क्या लिखा? यस सर। कभी डेरिवेशन ना याद आता तो इस बेसिक तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन, और सेंटीपेटल फोर्स का एम वी स्क्वायर बाय आर। फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, एम जी। तो क्या एम से एम चला गया? तो मुझे लगता है म्यू एस आर जी अंडर रूट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वी, सही ना। तो जो हमारी ये वेलोसिटी आई वी, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। इससे धीमा चला रहे हो सेफ हो, इसे तेज चलाओगे तो कार स्किड करने लगेगी, स्लिप करने लगेगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी। क्या क्वेश्चन में यही पूछा था? तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, तो फॉर्च्यूनर या मारुति 800 का कोई फर्क, ट्रक है या साइकिल उससे भी कोई फर्क नहीं। हर व्हीकल के लिए मैक्सिमम स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है। तो इसका बेसिक अप्रोच मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन हैज टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंटीपेटल, खत्म। तो इस बेसिक बात से बहुत फायदा मिलता है। इसको एक बार लिख लो, अब देखो काफी टाइम पहले पढ़ा था ना, तो काफी काफी चीजें मिस हो रही होंगी दिमाग से। तो इन पेपर का पर्पस क्या है समझ में आ रहा है? रिफ्रेश करवाना। अब इसके बाद बी पार्ट कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला पता है तो। वैल्यूज पुट करो, देखो मेरा आंसर आ रहा है अंडर रूट म्यू दिया हुआ है 0.8, रेडियस कितनी दी है 100, तो मुझे लगता है 20√2 आ जाएगा क्या? दैट मीन्स ऑलमोस्ट कितना, 28-29 के आसपास आ जाएगा। तो अगर ए पार्ट अगर हो गया तो बी पार्ट तो आसानी से होना था, और ए में फंस गए तो फिर बी कैसे करोगे, ठीक बात है। तो नॉर्मली जो ये लॉन्ग आंसर्स आते हैं फर्स्ट पार्ट में डेरिवेशन करवाते हैं, सेकंड पार्ट पे उसी पे रिमेकर डालते हैं। आई होप सबको लॉजिकल लगा। यस सर। चलो भैया अब देखो, डिराइव फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग सो एज टू मिनिमाइज द वियर एंड टियर ऑफ टायर ऑफ कार गोइंग ऑन अ बैंक रोड। एक तो होता है ऑप्टिमम स्पीड वी नॉट, जिसका फॉर्मूला होता है जी आर टेन थीटा। इस स्पीड में फायदा क्या होता है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो वियर एंड टीयर ऑफ टायर बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल। और एक होती है मैक्सिमम स्पीड, जिसका फॉर्मूला होता है रूट जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। कोई डेरिवेशन कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जरूर पता होना चाहिए। तुम डेरिवेशन के भरोसे बैठे हो, जो आएगा लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना सही डेरिवेशन करी या नहीं करी। अगर रिजल्ट पता हो तुम्हारा आ गया रिजल्ट तो सही डेरिवेशन करी, नहीं रिजल्ट आया मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। डायरेक्ट डायग्राम बना के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे, नहीं नहीं डिराइव फॉर्मूला का है, पूरा डिराइव करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि म्यू एस को क्या डाला है हमने जीरो, तब जाके वी नॉट आएगा। चलो भाई बी पार्ट क्या कह रहे हैं, तो तुम्हें बैंकिंग ऑफ रोड्स वाली डेरिवेशन याद करनी चाहिए।
कुछ आइडिया दोगे, याद आ रहा है? कर लोगे रिवीजन करके ना? यस सर। मान लो रिवीजन के बाद में नहीं समझ में आती तो मुझसे बोल देना, मैं करके दिखा दूंगा। हाँ जो नहीं आती वो बोल देना, मैं करके दिखा दूंगा। पर पहले खुद एक बार करके आना चाहिए, करवाई तो मैंने सारी है। चलो बी पार्ट पढ़ो भाई। क्या क्वेश्चन में ऑप्टिमम स्पीड पूछा है? तो कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट जी आर टेन। जी बताया टेन है, आर कितना है और टेन 15 कितना है? 0.26। कितना आ जाएगा? 28 के आसपास आ जाएगा क्या? करके देखूं। के आसपास आएगा लग रहा है, करके देखो मैं कितना आता है। अंडर रूट 780 बिल्कुल सही है। अब उसका रूट कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ अंडर रूट 800 कितना होता है? 28 अभी ऊपर करा था मैंने, अभी तो आया था। ठीक है ना, तो इसके वाला आंसर पक्का 28 से क्या होगा? कम हो 27 का स्क्वायर किसी को याद है? 729 चेक करूं। 729 तो 27 से ज्यादा होगा, 28 से कम होगा, तो ठीक है लिख दो 27.6 या 7 कुछ ऐसा लिख सकते हो। तो स्क्वायर वगैरह याद रहने का फायदा मिल जाता है क्या? एग्जैक्ट वैल्यू आ रही 27.9। मतलब कॉन्सेप्ट पता तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसके पास जो भी पेपर्स है उनको ग्रुप में भेजो, मैं पेपर्स डिस्कस करूंगा मेनली। एक छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, वो कभी करा दूंगा, आज ही करा दूंगा एंड में। तो अब बस पेपर्स करना शुरू करो भाई, पेपर से तुमको आइडिया लगेगा। चलो भाई लास्ट सेक्शन देखें। यस सर। ठीक है केस स्टडी देखो भाई क्या कह रहा है। ठीक है डोर दिख रहा है सबको? डोर का हैंडल दिख रहा है? यस सर। हिंज दिख रहा है? हिंज। यस सर। इसको एक्सिस बोलते हैं, इसके अबाउट घूमता है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर स्पीड। एक क्वेश्चन करवाया था हमने, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले डोर वाली बात समझ में आ गई ना, तो हम चाहते हैं हैंडल क्या हो, एक्सिस के पास हो या दूर हो? दूर। जितना दूर होगा डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना कम। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। मतलब कहना चाहे डोर को अगर रोटेट करवाना चाहते हो तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या टॉर्क? टॉर्क। ये कहना चाह रहा है, पढ़ लो भाई। ठीक है तो पहला क्वेश्चन, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स बताओ भाई। फोर्स के इक्विवेलेंट क्या होता है रोटेशन में? एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। रोटेशन में एम को क्या लिखते हैं? ए को अल्फा और एफ को, तो इन्होंने किसका पूछा है? फोर्स का। तो आंसर क्या होना चाहिए? टॉर्क। कौन सा ऑप्शन टॉर्क है? फर्स्ट ऑप्शन मोमेंट ऑफ फोर्स का टॉर्क होता है। नहीं पता तो लिख लो भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स का टॉर्क होता है। चलो भाई अभी क्वेश्चन करा था, टॉर्क इज
हाँ क्रॉस है थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे प्रतांग बताओ कैसे करोगे थर्ड क्वेश्चन क्या हमने कभी ऐसा कुछ डिस्कस करा था रोटेशन में कि जब कार का टायर पंचर हो जाता है तो उसके लिए हम रिंच यूज करते हैं तो मैंने एग्जांपल दिया था मैंने ट्रक के टायर को बदलते हुए देखा था तो ट्रक के बोल्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उसका जो रिंच होता है वो भी काफी बड़ा होता है छोटे रिंच से घुमाओगे घूमेगा ही नहीं बहुत बड़ी रिंच होती है तो बड़ी रिंच का फायदा क्या होता है कम फोर्स लगाने पर खुल जाता है तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आर क्रॉस एफ इक्वल टू आर क्रॉस एफ देखते हैं पहले आर कितना था 10 सेंटीमीटर और फोर्स कितना था 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदला है बाद में आर कितना है 6 सेंटीमीटर तो फोर्स कितना चाहिए तो हमने रिंच छोटी कर दी बड़ी कर दी पहले 10 सेंटीमीटर की थी बाद में 6 सेंटीमीटर लेंथ अगर छोटी कर दी तो फोर्स 120 से ज्यादा वाले दो ऑप्शन थे बी और सी अगर मान लो तुमसे सॉल्व नहीं भी हो रहा तब भी गेस करना चाहिए था क्या इसको क्योंकि ए और डी तो पक्का गलत है सही है ठीक है चलो भाई और पार्ट बात नहीं करो भाई टॉर्क क्या होता है अगर टॉर्क जीरो है इसका क्या मतलब है सही है चलो भाई 35 क्या क्वेश्चन में इसके वेलोसिटी की बात चल रही है जिसकी वैल्यू थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ और इसके दो फॉर्मूले मुझे पता है रूट जी रूट टू जी आर और एक रूट टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर सही है yes. और इस फॉर्मूले को हमने निकाला है एनर्जी कंजर्वेशन से yes, पढ़ लिया सबने पैराग्राफ yes. चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखो सॉरी आंसर नहीं बोलना पहले पढ़ो आराम से तुमने 1 ग्राम का स्टोन फायर करा मैंने 1 kg का स्टोन फायर करा किसको ज्यादा स्केप स्पीड देनी पड़ेगी या सेम सेम सोचो दो क्वेश्चन पूछना दोनों में डिफरेंस समझना 1 ग्राम और 1 किलोग्राम में किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी स्किप कराने के लिए 1 किलोग्राम एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी 1 किलोग्राम मैंने पूछा स्पीड किसको ज्यादा देनी पड़ेगी स्पीड सेम स्पीड तो डिपेंड ही नहीं करता मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर एस्केप स्पीड तो सेम होता है इसका आंसर होगा इक्वल टू एस्केप स्पीड ऑफ बी ए कहां यूज है पता है ये एम किसका मास है ठीक है तो एस्केप स्पीड एंगल पर डिपेंड मास ऑफ प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड नहीं करता
सही है? यस सर। सेम ही रहेगी ये ऑप्शन सी अर्थ के लिए कितनी होती है? 11.2 के लिए 2.7 मून पे एटमॉस्फेयर होता है? नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उस वजह से। क्योंकि मून की एस्केप स्पीड है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, और जो गैस की स्पीड होती है वो होती है ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर पर सेकंड। तो मून पर गैसें बनती रहती है और एस्केप होती रहती है। एक मिसकॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है ना कि मून पे गैस नहीं है। मून पे केमिकल रिएक्शंस होती होंगी? नहीं होती होंगी। गैस बनती है, बस रुकती नहीं है, स्पेस में जाती रहती है। रुक क्यों नहीं पा रही? क्योंकि एस्केप मून का बहुत कम है। सन का आइडिया है किसी को? सन से किसी चीज को एस्केप करवाना है तो थ्योरेटिकली अगर सोचा जाए एस्केप स्पीड बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा? 500-600 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, यहां से कश्मीर 1 सेकंड में। आइडिया लगा? तो सन से एस्केप करना आसान है, बहुत मुश्किल है। तो उनके अंदर बहुत एनर्जी होती तभी तो आप आते हैं। जो सोलर विंड्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलते हैं ना, तो देते हैं इतनी एनर्जी, उनको इतनी एनर्जी मिलती है तभी तो आप आते हैं। वही सोलर विंड्स जब नॉर्थ पोल पे आते हैं अर्थ के, तो वहां पर क्या होता है, पिंक और ग्रीन कलर की लाइट दिखती है। आइडिया किसी को? ऑरोरा बोरियालिस का नॉर्थ पोल पे ग्रीन कलर की और पिंक कलर की लाइट दिखाई पड़ती है। तो जो सोलर फ्लेयर आती है सन से, उनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उनको क्या कर देती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो क्या होता, वो सारे चार्ज पार्टिकल अर्थ पे आते हैं, और वो पार्टिकल कौन है, अल्फा बीटा गामा रेज, विच इज डेडली फॉर अस। अगर अल्फा रेज या बीटा रेज हमारी स्किन पे फॉल होगी तो स्किन क्या होगी, तुमको आइडिया है कुछ रेडियोएक्टिविटी का? अल्फा बीटा गामा रेज जो होती है, रेडिएशन जो होता है, वो हमारी बॉडी के लिए गुड है या वेरी बैड है? जीन्स तक को म्यूटेट कर देता है, म्यूटेशन हो जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी जापान में जो अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, उसका इफेक्ट अभी तक जीन्स में है लोगों के। हाँ बिल्कुल, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें बता रहे थे कि जो ग्रास वगैरह है उस पर रेडिएशन क्या हो गया था, डिपोजिट हो गया था। अब काऊ ने उस ग्रास को खा लिया, जो उनका मिल्क था वो भी, उसमें भी रेडिएशन आ गया। यूके में क्या हुआ था, रेनिंग हुई थी, उस रेनिंग में भी क्या था, उस रेडिएशन का इफेक्ट था। चेर्नोबिल वाला काफी डेंजरस था, तो बैन है, अभी भी अबैंडन्ड एरिया है वो, जाते रहेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बचा रहा है क्या हमें? यस सर। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए? वी कितना है, किलोमीटर में है क्या? यस। मीटर में भी तो बदलेंगे। जी पता है, निकालना है, निकालना है। आर कितना है? 6000 किलोमीटर। क्या लिखूंगा? नहीं, 10^6 बाहर करके हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दूं? मुझे लगता है इसका आंसर आएगा डी।
लॉजिकल लगा और कैलकुलेशन रैंडम करिए, देखो बड़ा अच्छे से कर दी। तो देखा करो भाई डेटा को ध्यान से, उल्टा पुल्टा कैलकुलेट करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ध्यान से करो कैलकुलेशन को, डेटा को ध्यान से देखो। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो भाई और पार्ट देखो, फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू 11.2 राइट। अब जो हमारा नया प्लेनेट है उसका मास क्या है, क्या मैं 2m लिखूंगा, और रेडियस क्या है आर बाई टू लिखूंगा, सही है। तो मुझे लगता है ये वी डैश कितना हो जाएगा, देखा तुम लोगों मैंने क्या करा, इसको तुम क्या लिखने वाले हो, अंडर रूट टू जी एम बाई आर इंटू फोर, सही। रूट टू जी एम बाई आर को क्या लिखूंगा अभी, और फोर का रूट क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू क्या थी 11.2 इंटू टू, कितना आ जाएगा, इसका आंसर होगा एक, सही। तो डिफिकल्ट था, इजी था। तो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दिया था, नहीं दिया था, देखो भाई दिया था नहीं दिया था, क्वेश्चन में तो रूट टू जी आर दिया था। यस सर। अब स्मॉल जी को मैंने क्या लिखा है, क्या सॉल्व करके ये फॉर्मूला बनाए, याद था तो बढ़िया है, नहीं याद था तो बनाना पड़ता, याद था फॉर्मूला फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं याद था तो दिक्कत थी। देखो भाई जिसको फोर नहीं समझ में आया ध्यान से देखना, क्या ये ऐसा लिखा है 2m अपॉन r बाई टू, तो जो नीचे 2 था ये ऊपर जाकर क्या होगा, देखा। तो कैलकुलेशन ध्यान से देखो, मैं कितना आराम से कैलकुलेशन करता हूं, देखा। अगर कैलकुलेशन पहचान ली तो फायदा मिलता भी, जल्दी जल्दी बात बनती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए इसके, एक बार देख लो किसी में डाउट हो तो दोबारा कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वाला कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं तो नीचे था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सब लोग पढ़ो ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात थी कौन सी प्रोसेस है, ये पहचानना मुश्किल काम था। आइसोथर्मल तो पक्का नहीं थी, ये कैसे पहचाना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हीट पूछा है क्या, तो एडियाबेटिक भी पक्का नहीं होगी, एडियाबेटिक में तो डीक्यू जीरो होता है। अब बचा आइसोबारिक और आइसोकोरिक, दो ऑप्शन बचे हैं, ना क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला है, ना क्वेश्चन में प्रेशर के बारे में कुछ बोला, बट क्वेश्चन में एक हिंट दिया था प्रोसेस कैसी है, स्लो। तो नॉर्मली जब मैं सडन प्रोसेस सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है एडियाबेटिक, और जब मैं स्लो सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है आइसोथर्मल, बट इस क्वेश्चन में बहुत साफ साफ बोला है टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका मतलब आइसोथर्मल तो नहीं है, तो स्लो का मतलब मैंने निकाला कि धीमे 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 एक्सपैंड हो, यानी इस क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, बट जो एक्सपेंशन है वो बहुत स्लो है,
इसका जो प्रेशर मैं डाल रहा हूँ वो बहुत ज्यादा या धीमे धीमे बढ़ाता जा रहा हूँ, बहुत स्लो तो चेंज है। अगर अभी इनिशियल प्रेशर 1 atm था तो थोड़ी देर बाद 1.001 atm है, तो प्रेशर का चेंज लार्ज है या वेरी स्मॉल? तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया मैंने। अगर एक बार प्रेशर कांस्टेंट मान लिया तो काम खत्म। कौन सी प्रोसेस हो गई है? आइसो आइसोबारिक। अच्छा, अगर इसको आइसोकोरिक लेते हैं, सोच रहा हूं मैं, तो अगर रबर का बलून है तो लग तो रहा है कि एक्सपेंड हो जाना चाहिए, तो सही कह रहा हूं मैं? अगर मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, एक बर्थडे वाला बलून है, 2 दिन बाद नॉर्मल रहता है या श्रिंक हो जाता है? फिर मैंने कहा था उसको हॉट वाटर में डाल दो, माइल्ड वाटर में डाल दो, तो माइल्ड वाटर में जब डालोगे तो वाटर से हीट बलून के अंदर जानी शुरू हो जाएगी और बलून फिर से इन्फ्लेट हो जाएगा क्या? कार में भी ऐसा होता है। कार में अगर मैंने अभी एयर चेक करवाई है, 30 points हैं, अब कार को मैंने 300 किलोमीटर चला दिया है, 300 किलोमीटर चलाने के बाद कार का फिर से मैंने चेक करवाया टायर, तो प्रेशर 25 हो जाएगा या 35 हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो कार जब चलती है रोड पर तो रोड के फ्रिक्शन की वजह से हीट आती है, उस हीट की वजह से टायर गर्म होता है, वो हीट टायर के अंदर जाती है, अंदर जो एयर भरी होती है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड होना चाहती है, नहीं हो पा रही होती, इसलिए प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देती, इसलिए बस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या थी? आइसोबारिक या आइसोकोरिक? अच्छा, अगर आइसोकोरिक मान लेता तब क्या होता? DW0 हो जाता, तब क्या लिखते हैं? एन कितना था? सीवी अब इन दोनों में ज्यादा सी कौन सा लग रहा है? आइसोबारिक या आइसोकोरिक? मुझे तो आइसो बारिक ज्यादा सही लग रहा है। एक बार तुम लोग गूगल चेक करके देखना इस क्वेश्चन को, देखना क्या आंसर दिया। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है मॉड्यूल में, मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसा कोई क्वेश्चन है या नहीं है। तुम लोग गूगल पे बात चेक करके देख लो आंसर क्या आ रहे हैं। इसका मैं आंसर कैलकुलेट कर देता हूँ, ये आ जाएगा कितना, 2 से 2 कट गया था क्या? 25 आर, और आर की वैल्यू क्या होती है? 8.3 तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 210 के आसपास। गूगल पे देख लेना, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताना था जो मैंने सबसे पहले छोड़ा था, याद है? यस यस। थर्ड क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, देखो। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? स्ट्रेन पूछा है ना, डायग्राम देखो। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, अगर किसी को याद आ रहा हो। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या सबको टेंशन दिख रहा है? उस टेंशन के कंपोनेंट क्या होंगे? टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, दिख रहा है? वैसे लेफ्ट वाले में भी टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। क्या टी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए? 2t sin थीटा ने किसको बैलेंस आउट कर लिया? जी को, सही। डायग्राम में sin थीटा कितना है? बताओ, वैसे लिखा है? बट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, शादी करने की जरूरत नहीं है,
बताऊं क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेन पूछा है क्या? यस सर। स्ट्रेन का मतलब क्या? डेल्टा एल अपॉन एन, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या ओरिजिनल लेंथ 2L थी? यस सर। अब डेल्टा एल कैसे निकालूंगा? न्यू लेंथ जो कितनी है, बताओ भाई। ये सब मुझे लगता है टेंशन वेंशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले ये पॉइंट समझो, करा क्या इस क्वेश्चन में? पहले वायर की लेंथ ए बी थी क्या? अब वायर की लेंथ ए सी प्लस बी सी है ना, ए सी प्लस बी सी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या है? अंडर रूट पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डेल्टा एल कैसे निकालूंगा मैं? ए सी प्लस बी सी न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, टू कॉमन को कट गया। यस सर। ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ध्यान देना रूट के बाहर आकर क्या बन जाएगा वो एल। क्या ये एल भी कट गया? यस सर। है ना, अब मैंने लगा दिया बाइनोमियल थ्योरम, ध्यान देना क्या बन गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टू पावर हाफ माइनस वन। तो बाइनोमियल कहते हैं स्मॉल वैल्यूज के लिए पावर आगे आ जाती है, क्या वन और माइनस वन कट गया? अब ढूंढो कोई ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर पहले ही लग रहा है। यस सर। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। बट ऐसा मैंने करवाया है क्लास में, कंपोनेंट्स हो गए कॉल करते तो भी सेम आंसर आ रहा है, नहीं निकलता क्योंकि उससे फिर यंग्स मॉडल्स की जरूरत पड़ती। मुझे करते करते रियलाइज क्या हुआ कि यंग्स मॉडल्स तो दिया नहीं है, तो फिर से मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चन रटे होते हैं, हम लोग भी सोच कर करते रहते हैं सॉल्व, जो आइडिया है उसको ट्राई करते रहते हैं। बहुत छोटा होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन में जो एक्स है एक्चुअली वो एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है क्या? तो सोचो मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूँ, वायर में कोई चीज लगाएंगे तो वो बेंड होगा बहुत ज्यादा या थोड़ा सा, इसका एक्स एल से बहुत कम। तो कई बार क्वेश्चन में जो सेंस है वो बहुत काम आता है, अदरवाइज नहीं सॉल्व होता। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगली क्लास में तुम लोगों को वे से क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद फिर पेपर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में तुम अपने वेज के डाउट्स पूछ सकते हो, पहले मैं कराऊंगा बीट्स फिर अपने डाउट्स पूछूंगा, ठीक है।